मंदसौर नरसीपुरा में बहन के साथ लड़के ने की छेड़छाड़। विरोध करने पर भाई व परिवार पर किया चाकू से हमला। मंदसौर कोतवाली थाना क्षेत्र के नरसीपुरा में बहन के साथ लड़के द्वारा छेड़छाड़ की गई। उसका विरोध करने पर भाई के ऊपर व परिवार के ऊपर हमला करना शुरू कर दिया। डंडे और चाकू से हमला किया जिसमें दो लोग घायल हो गए और कोतवाली पुलिस ने उल्टा ही बहन के भाई पर मामला दर्ज कर लिया। ऐसा आरोप परिवार द्वारा लगाया गया है। सोमवार को 1 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय कुमावत समाज के लोग पहुंचे। वहां पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन दिया और मांग की जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई की जाए और चाकू से हमला करने वालों पर गंभीरता से पुलिस कार्रवाई करे। परिजनों ने आरोप लगाया कि लड़की के साथ छेड़छाड़ की गई थी, जिसका विरोध करने पर लड़के के परिवार के लोगों ने ही लड़की के भाई पर और परिवार के लोगों पर हमला करना शुरू कर दिया, जिसमें दो लोगों को चोट भी लगी है। परिजनों ने आरोप लगाया कि राजनीतिक दबाव के कारण हम लोगों पर झूठी कार्रवाई पुलिस द्वारा की गई है, जो कि गलत है। नरसिंहपुरा क्षेत्र में शादी समारोह के समय यह घटनाक्रम हुआ, जिसमें लड़की के साथ छेड़छाड़ की घटना को अंजाम देने वाले ने लड़की के भाइयों पर ही चाकू से हमला करना शुरू कर दिया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमित कुमार वर्मा ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि दोनों तरफ से क्रश कायमी की गई है और इन लोगों के आवेदन के माध्यम से मांग है कि जो धारा लगाई गई है वह पर्याप्त नहीं है, धारा को बढ़ाना चाहिए। इन लोगों की मांगों को लेकर इनके द्वारा आज मिलने आए थे, पर परिजनों ने कहा कि हम लोगों की शिकायत दर्ज नहीं करते हुए हम लोगों पर ही झूठा प्रकरण दर्ज कर लिया है। परिजनों ने कहा 307 की धारा बढ़ाकर कार्रवाई की जाए और लड़की व परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पुलिस ने लड़की के परिवार की शिकायत पर कल शाम को मामला दर्ज किया है। पहले जब घटना मारपीट की घटी थी उस समय लड़की के परिवार की तरफ से कोई शिकायत नहीं लिखी गई, ऐसा आरोप भी लगाया गया है। कल रात में घटनाक्रम हुआ था, इसमें आपस में दोनों पक्षों में लड़ाई हुई थी, दोनों पक्षों की ओर से एफआईआर की गई है। एक पक्ष का कहना है कि इसमें धाराएं लगाई गई हैं वो पर्याप्त धारा नहीं है, संबंध में आवेदन दिया था, तो जो भी इसमें साक्ष्य मिलेंगे इसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू सर। ये हमारी मामा जी लड़की सिस्टर है हमारी, ये खाना खाने गई तो आरोपी जितेंद्र वहाँ आया और इसका हाथ वाथ पकड़ा कि मेरे बड़े भाई से तेरी बुआ की लड़की की शादी हो गई है तो तू मेरे साथ बक चल। तो इसने उसका ऑब्जेक्शन उठाया और उसके बाद जाके इसके पापा से घर से बोला, इसके पापा समझाए देने घर गए तो वो रेडी तैयार थे, इनको हो सकता कभी वो उसको लगा के मारने आएंगे तो तैयार बैठी हुई थे पूरे परिवार, और ये इनको समझाए देने गए तो इनको लाठी वगैरह से मारा। फिर भाई छोटे भाई वगैरह सब जने साथ में गए वहाँ पे उनको बचाव करने, तो ये थाने आ गए तो ये उन्होंने बोला कि तुम काहे के लिए आए, तुम काहे के लिए आए, तो बोले कि हम क्या हुआ मैटर, तो इससे वो जो लड़का आरोपी था जितेंद्र वो अंदर से चाकू लेके आया और उस मासी लड़के का मैंने वहाँ से यहाँ पीछे चाकू मारा जिससे 8 टांके आए उसके और 3 टांके आए चोर में, तो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। और उल्टा उन्होंने क्या बयान दिया है, और किसी ने राजनेता से फ़ोन लगवा दिया सिटी कोतवाली में, उन्होंने फ़ोन लगवा के वहाँ बात करवाई और बोला तो हमारी 1% नहीं चलने दी वहाँ पर, किसी प्रकार से कोई नीचे नहीं चलने दी, वो किसी भी सवाल सुनो ही नहीं, और हमको वहाँ के थाना प्रभारी और वहाँ के बोले कि आप यहाँ से निकल जाओ बाहर वरना हम आपके ऊपर झूठा आप आरोप लगा रहे थे वो कि आप यहाँ से बाहर निकल जाओ वरना हम क्या है कि हम आपको ही अंदर कर देंगे, आप थाना जलाना है और थाना लूटना है, हम चाहते हैं कि जो निर्दोष है उनको बाहर किया जाए। और उन्होंने जो झूठी रिपोर्ट डाली है, जो लड़का वहाँ पर मौजूद नहीं था उसके नाम भी उन्होंने लिखवा दिए, बल्कि वो कहीं गौतम जो कि वहाँ पर किसी प्रकार मौजूद नहीं था, और हम चाहते हैं कि आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि ये आज तो ये लड़की हुई है, कल से किसी की भी लड़की कॉलेज जाए करे किसी तरह से छेड़छाड़ी होए तो हम एसपी साहब से वगैरह सबसे यही चाहते हैं कि इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि किसी प्रकार की जो अपने मंसूर में कहीं पे भी जो बालिकाएं वगैरह है वो सुरक्षित रहे और व्यवस्थित रहे। मेरा नाम ईश्वरलाल कुमावत, नरसिंहपुरा में रहते हैं, और मामला ये दरअसल कि मेरे बहन को छेड़ा है उनने, वो धर्मशाला में खाना खाने गई थी, उसको छेड़ा तो हम समझाने के लिए घर पे गए थे, तो समझाने लिए गए तो हो गया सामने मारपीट करने लग गए और मार पीछे से चाकू मार दिया, पीछे से चाकू मार दिया और मेरे भाई के भी पीछे चाकू लगा, कम से कम 8 टांके आए और पीछे यहाँ मुंह पे भी टांके आए उसके, और अभी भी अस्पताल में बड़े अस्पताल में भर्ती है वो। क्या सर किसने मारा?
वो क्या नाम है उसका, जीतू और अंकित, दोनों भाई है अशोक बारोदिया, वो थे उनकी। हम चाहते हैं कि हमारे को न्याय मिले और हमारे खिलाफ उल्टी कार्रवाई हो रही है और झूठी रिपोर्ट हमारे ऊपर खिलाफ कर रहे हैं कि मतलब हमारी बहन बेटी को छेड़ा उनने, जैसे हमने जैसे उनकी कोई बहन बेटी को किसी को नहीं छेड़ा और ना तो उसके कोई बहन है, खाली मतलब झूठी FIR दर्ज करवा रहे हैं। न्याय चाहते हैं, हम न्याय चाहते हैं कि हमारी बहन को मतलब कार्रवाई हो उनके खिलाफ़।